Today we are going to start our chapter number 36, World Heritage Sites of India, right? In India. So, in which we are going to discuss about our India. Children, do you know the meaning of heritage? Heritage kisko bolte hai, aapko pata hai? So, children, heritage means something that you get from your ancestors. Like, aapke jo पेरेंट्स है, आपके ग्रेट पेरेंट्स है, दादा दादी, राइट, उससे भी जो बड़े हैं, ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स, उससे जो आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हेरिटेज बोलते हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज, सॉरी, हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया. ओके, एंड वेयर इट इज सिचुएटेड इन इंडिया, वो कहाँ पे है और उसका नाम हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. So let's start with the number one, children. You can see the picture, right? जो कहाँ पे है? कोना, ओडिशा में. तो इसको क्या बोलते हैं children? इसका नाम क्या है? सन टेम्पल. यहाँ पे हम लिखेंगे सन टेम्पल. ओके, नाउ मूविंग विथ नंबर टू, यू कैन सी दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट, जो आगरा में आई हुई है, उत्तर प्रदेश में. तो उसका नाम क्या है बच्चों? ये है फतेहपुर सिकरी. फतेहपुर सिकरी. ओके, नाउ मूविंग विथ नंबर थ्री, यू कैन सी दिस, ये आया है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और इसका नाम क्या है? इलोरा केव्स. यहाँ पे हम लिखेंगे इलोरा केव्स. ओके, नाउ मूविंग विथ नंबर फोर, यू कैन सी दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट, जो मुंबई में महाराष्ट्र में आई हुई है. तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनेशन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर से ही स्टार्ट कर देना ताकि वो पूरी दो लाइन में आ जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस. ओके, सो ये था नंबर फोर. नाउ मूविंग विद द रियल लाइफ ऑफ दिस चैप्टर, लुक आफ्टर द हेरिटेज साइट्स. हमें उस जो हेरिटेज साइट्स है उसको अच्छे से ध्यान रखना है. We should not spoil them. When you see someone spoiling them, tell them not to do so and explain why. But be remember to be polite. जब भी आप देख रहे हो कि कोई ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को स्पॉइल कर रहा है, तो आपको क्या करना है? उसको रोकना है, समझाना है कि आपको उसको स्पॉइल नहीं करना है. ओके, बट आपको ये भी याद रखना है कि आपको उसको पोलाइटली समझाना है. ओके, नाउ मूविंग विद द नंबर फाइव, यू कैन सी द नंबर फाइव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ओवर हियर, राइट, जो कहाँ है? बोध गया, बिहार में. तो इसका नाम क्या है बच्चों? ये यहाँ पे आएगा महाबोधि टेम्पल. यहाँ पे आएगा महाबोधि टेम्पल. नाउ मूविंग विथ नंबर सिक्स, ये जो है वो क्या है? आगरा फोर्ट, जो कहाँ पे आया है? आगरा में. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगरा फोर्ट. ओके, जो उत्तर प्रदेश में है. नाउ नंबर सेवन, यू कैन सी दिस, ये जो है दिल्ली में आया है, और उसका नाम क्या है? हुमायूस टॉम. हुमायूस टॉम. ओके, नाउ मूविंग विथ नंबर एट, ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो कहाँ पे आया है? दिल्ली में, और इसको तो आप सब जानते ही हो. ये क्या है बच्चों? यस, रेड फोर्ट.
तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेड फोर्ट. ओके नाउ मूविंग विथ वेस्ट टाइम ऑफ दिस चैप्टर इन विच वी हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड टेक द करेक्ट नेम्स. ओके यू कैन सी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस what is the name of this world heritage site that is available in india so ye hai ajanta caves. okay humne abhi dekha na ajanta caves uska picture hai. now you can see the picture of this place right iska naam kya hai champaranya pavagadh mein jo uska mahal hai uska picture hai. okay so yahan pe hum hamare चैप्टर नंबर 36 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया है वो कंप्लीट किया है बच्चों. डू यू नो दैट कि अभी रिसेंटली कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे इंडिया के राइट वो एडेड हुए हैं तो वो है धोलावीरा एंड हरप्पना इरा सिटी. तो ये जो दो प्लेसेस है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में उसको लिया गया है. तो आपको ये सारी चीज़ें हैं उसके नेम वो कहाँ पे आया है राइट और उसके पिक्चर के साथ आपको उसको याद रखनी है. ओके अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. थैंक यू हैव अ नाइस डे.